नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आने वाले वक्त और हालात को समझते हुए आप डेवलपमेंट में वोट दीजिए। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया, तो मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल भी है जिसमें फैसिलिटीज बहुत कम है। कि हॉस्पिटल के अंदर मैट्रेसेस नहीं थे, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसको इमीडिएट हमने नए मैट्रेसेस डाले, उसके बाद नए बेडशीट दिए। पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी न सिर्फ पेशेंट को बल्कि अटेंडर्स को, तो अपने जेब के सरमाए से एक आरओ प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। ऑपरेशन थिएटर थे, कंडम कंडीशन में थे, तो गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन करके ऑपरेशन थिएटर्स को अपग्रेड कराया गया। 125 KVA का नया जनरेटर हमारे CDF फंड में से रिलीज करा के नया जनरेटर खरीदा गया। पोस्ट ऑपरेशन वार्ड बनाए गए, टोटली पार्टीशन लगा के सेपरेट बेड्स रखा गया, एयर कंडीशन लगाया गया। जो हमारा आउट पेशेंट ब्लॉक है उसको बिल्कुल मॉडर्न सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के ब्लॉक की तरह बनाया गया। अल्लाह के करम से मिनिमम डेली ओपी के अंदर कम से कम 1500 से 1700 ओपी में पेशेंट आ रहे हैं। और मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर डिलीवरी के लिए आते हैं, पहले 20 डिलीवरी महीने को नहीं होते थे, आज अल्लाह के करम से कम 300 से लेके ज्यादा से ज्यादा अभी तक 370 डिलीवरी पर मंथ हो रहे हैं। यहाँ पर स्कैन मशीन हफ्ते में एक दिन लोग देखते थे, एक स्कैन मशीन थी, डॉक्टर नहीं था, तो हफ्ते में एक दिन डेट रख के स्कैन करते थे, वरना बाहर स्कैन कराते थे। वैसे टाइम पे इमीडिएट मैंने रिप्रेजेंटेशन करके एक और स्कैन मशीन करवाया, दो स्कैन मशीन हो गए। अभी डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर स्कैनिंग चल रही है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके ऑलरेडी लाइव टेस्ट भी यहाँ पे स्टार्ट करे। आज महीने को कम से कम 10,000 से ज्यादा यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं लैब के अंदर, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो भी मेडिसिन शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए जरूरत पड़ती थी, वो भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा। और आप अगर जाके देखेंगे तो पूरे तेलंगाना के अंदर जितने एरिया हॉस्पिटल है उसमें नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल नंबर 1 रैंकिंग में आया है। आप 7 दिसंबर को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।